ऐसा कौन सा कमाल का कंपैरिजन है? इंडिया के किसी यूट्यूब चैनल पे तो होगा, नहीं बाबा, किसी वेबसाइट पे, नो वे तो फिर यूएस के किसी यूट्यूब चैनल पे होगा। डूड, नो इम्पॉसिबल है यार ये तो। इट इज पॉसिबल, क्योंकि जो कंपैरिजन आज मैं आपको करके दिखाऊंगा वो आपने कहीं भी और नहीं देखा होगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल VM1। मेरा नाम है विनीत और आज मैं आपको बताऊंगा बेस्ट बजट होम थिएटर सिस्टम दैट यू कैन बाय इन इंडिया इन 2021। जब मैं कंपेयर करूंगा इन दोनों सिस्टम्स को एक दूसरे के साथ, एक है मार्केट लीडर और एक है न्यू एंट्रेंट, लेट्स सी हु विंस। सबसे पहले हम बात करते हैं बजट होम थिएटर्स के चैंपियन सोनी D40 के बारे में। इस सिस्टम के आपने बहुत सारे रिव्यूज देखे होंगे, बहुत सारे ऑडियो टेस्ट सुने होंगे, बट ये रिव्यू आपको बिल्कुल अलग तरीके का मिलेगा। इसके अंदर आपको जो कंपैरिजन मिलेगा वो आपने शायद पहले कहीं और नहीं देखा होगा। D40 के अंदर आपको 3.15 इंच के चार स्पीकर्स मिलेंगे जिनका आउटपुट है 10 वॉट ईच। इसमें से दो हैं फ्रंट स्पीकर्स जो कि 10 ओम्स की इम्पीडेंस के साथ आते हैं और दो हैं सराउंड स्पीकर्स जो कि 4 ओम्स की इम्पीडेंस के साथ आते हैं। D40 के अंदर आपको 5 इंच का सबवूफर यूनिट मिलता है जो कि मैक्सिमम 40 वॉट के आउटपुट के लिए रेटेड है। इस सबवूफर की इम्पीडेंस है 4 ओम्स। D40 के सबवूफर की बैक साइड पे आपको पावर अडैप्टर के कनेक्शन के लिए एक सॉकेट मिलता है, एक ऑक्स इनपुट मिलता है और चारों वायर्ड सैटेलाइट्स के लिए इनपुट्स मिलते हैं। सबवूफर के फ्रंट पे आपको पावर ऑन ऑफ स्विच, एक फंक्शन यानी इनपुट स्विच, एक USB इनपुट और USB इनपुट के कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। D40 के अंदर आप ब्लूटूथ से भी सॉन्ग्स को सुन सकते हैं, लेकिन ब्लूटूथ वर्जन D40 के अंदर बहुत पुराना दिया गया है, दैट इज 2.1। इस वर्जन की वजह से कनेक्शन एस्टैब्लिश करने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप रूम से बाहर गए और दोबारा वापस आए तो कनेक्शन ऑटोमेटिकली री एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगा, आपको अपने फोन में उसे दोबारा कनेक्ट करना ही पड़ेगा। और ये है OBH का DT51। इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, लेकिन ये कंपैरिजन DT51 के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि मैं इसका कंपैरिजन कर रहा हूं एक एस्टैब्लिश्ड बजट होम थिएटर सिस्टम के साथ। ये एक टावर स्टाइल होम थिएटर सिस्टम है और OBH का ऐसा मानना है कि इसके अंदर आपको बैलेंस्ड ऑडियो के साथ साथ हैवी बेस ऑडियो सिग्नेचर देखने को मिलेगा। बात करें स्पेक्स की तो दोनों टावर्स में आपको 4 इंच और 8 ओम्स के 2 स्पीकर्स मिलते हैं, 2.5 इंच और 4 ओम्स के 2 ट्वीटर्स मिलते हैं और 5.25 इंच और 4 ओम्स के 2 सबवूफर यूनिट्स मिलते हैं। स्पीकर्स और ट्वीटर्स का टोटल आउटपुट है 15 वॉट ईच टावर और सबवूफर का आउटपुट है 35 वॉट ईच टावर, जो कि बनता है 100 वॉट टोटल। DT51 की SNR है 72 डेसिबल्स और इसके अंदर आपको मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शंस देखने को मिलेंगी। आप इसे ऑक्स इनपुट, SD कार्ड, USB और ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं। एंड यस, DT51 के अंदर आपको ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिलेगा। एंड नॉट टू फॉरगेट, इस डिस्प्ले पे आप अपनी इनपुट सिलेक्शन चेक कर सकते हैं। बहुत हो गई लुक्स और स्पेक्स की बातें, अब करते हैं रियल कंपैरिजन। अब टाइम है रियल ऑडियो टेस्ट का। आप इस ऑडियो टेस्ट को सुनिए उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। इन दोनों सिस्टम्स पे सेम ऑडियो प्ले हुए हैं, सेम वॉल्यूम पे रिकॉर्ड करे गए हैं, रिकॉर्डिंग के लिए माइक सेम यूज हुआ है, उसे सेम डिस्टेंस पे रखा गया है, लेकिन फिर भी आपको परफेक्ट ऑडियो क्वालिटी इस वीडियो में सुनने को नहीं मिलेगी क्योंकि YouTube पे 90% कॉम्प्रेस्ड ऑडियो आपको सुनने को मिलता है। इसीलिए जो सॉन्ग्स हमने इस सिस्टम्स पे रिकॉर्ड करे हैं उसके अपने ड्राइव लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, आप उन्हें डाउनलोड करके असली एक्चुअल ऑडियो क्वालिटी सुन सकते हैं। Thank you.
ऑडियो क्वालिटी में कुछ डिफरेंस लगा? चलिए सबसे पहले जो आपको फर्क महसूस हुआ उसे मैं अपने वर्ड्स में बताता हूं और उसके बाद आपको उसका प्रूफ भी दूंगा। इसे हम डिवाइड करते हैं 3 सेक्शंस में, लो नोट्स यानी बेस, मिड नोट्स यानी वोकल्स और हाई नोट्स यानी ट्रेबल। बेस 2 टाइप की होती है, लोअर बेस एंड अपर बेस। म्यूजिक रिकॉर्डिंग के अंदर हमेशा लोअर बेस को 90% यूज करा जाता है और सोनी लोअर बेस के अंदर बहुत कमजोर है, जबकि ये अपर बेस के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है जो कि फेक बेस मानी जाती है। ओबेज की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि ये लोअर बेस के अंदर बहुत स्ट्रांग है और अपर बेस के अंदर बहुत वीक, एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग। इसीलिए आपको जो नोट्स के अंदर बेस नहीं मिलनी चाहिए थी वो भी आपको सोनी के अंदर मिलती है, और जहां आपको बेस मिलनी चाहिए वहां पे आपको ओबेज सही बेस दे रहा है विदाउट द बूमी साउंड। अब बात करते हैं मिड नोट्स यानी वोकल्स के बारे में। ऑब्वियसली मैं आपको वोकल्स का ऑडियो टेस्ट यहां पे सुना नहीं सकता बिकॉज ऑफ कॉपीराइट रीजंस, लेकिन नीड नॉट टू वरी, मैंने 4 अलग अलग सॉन्ग्स अलग अलग जॉनरा के इन दोनों ही सिस्टम से रिकॉर्ड करके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने ड्राइव लिंक दिए हैं, आप उन्हें डाउनलोड करके सुन सकते हैं। एंड यस, सेम वॉल्यूम और सेम माइक डिस्टेंस पे दोनों ही सिस्टम से वो सॉन्ग्स रिकॉर्ड करे गए हैं। अब उनके डिफरेंसेस को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ताकि जब आप उन्हें सुने तब आपको पता चले कि क्या डिफरेंसेस की मैं बात कर रहा था। 2 टाइप के मिड नोट्स होते हैं ऑब्वियसली, एक मेल वॉइस और एक फीमेल वॉइस। सोनी मेल वॉइस को बहुत अच्छे से डिलीवर कर पाता है, लेकिन फीमेल वॉइस को बहुत अच्छे से ये रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, जबकि ओबेज के अंदर ये प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने 2 मेल वॉइस और 2 फीमेल वॉइस के सॉन्ग सिलेक्ट करके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, उन चारों सॉन्ग्स को बहुत ध्यान से सुने और दोनों के डिफरेंसेस को नोट करने की कोशिश करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम बात करते हैं हाई नोट्स यानी ट्रेबल के बारे में। हाई नोट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर होता है किसी भी ऑडियो सिस्टम का, जिसे हम अक्सर इग्नोर करते हैं, और सोनी यहां पे बुरी तरह से फेल होता है। सोनी के अंदर आपको हाई नोट्स बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स आपको सुनाई ही नहीं देंगे, यू विल नॉट इवन अंडरस्टैंड कि इसमें कितने और कैसे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करे जा रहे हैं किसी भी सॉन्ग में, जबकि ऐसी प्रॉब्लम आपको ओबेज में बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। एंड इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ओबेज के अंदर आपको एक ट्वीटर मिलता है दोनों कॉलम्स में, जबकि सोनी के अंदर आपको कोई भी ट्वीटर मिलता ही नहीं है और उसके हाई नोट्स बुरी तरह से फेल होते हैं। और इसे दिखाने के लिए आपको मैं ये प्रूफ देता हूं। इसे कहते हैं पिंक नॉइस। ऑडियो सिस्टम्स लो, मिड और हाई फ्रीक्वेंसीज पे कैसा रिस्पांस दे रहे हैं इसे चेक करने के लिए इस पिंक नॉइस को यूज करा जाता है। अब हम दोनों सिस्टम्स में पिंक नॉइस चला के सेम डिस्टेंस पे सेम वॉल्यूम से उसे जज करने की कोशिश करेंगे कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस इन दोनों सिस्टम्स का कैसा है, और उसे हम जज करेंगे एक फ्रीक्वेंसी एनालाइजर ऐप के जरिए। जिस माइक से हम पिंक नॉइस को कैप्चर कर रहे हैं वो बेस्ट तो नहीं है, लेकिन हमें आइडिया दे सकता है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का। इस टेस्ट में अचीव रिजल्ट से जो सबसे मेजर पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूंगा वो है हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस इन दोनों ही सिस्टम्स का। सोनी का हाई फ्रीक्वेंसी यानी ट्रेबल का रिस्पांस बहुत ही ज्यादा पुअर है, जबकि ओबेज DT51 का हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बहुत ही ज्यादा शानदार। तो अब बात कर लेते हैं कि किसको कौन सा सिस्टम लेना चाहिए। अगर आपका एक छोटा कैफे या फिर जिम है तो आप सोनी ले लीजिए, क्योंकि आपको अपने कैफे या जिम के अंदर चारों कोनों में ऑडियो को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसके अंदर सोनी विल बी परफेक्ट सिस्टम। लेकिन अगर आप म्यूजिक को बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं, अगर आप हैवी बेस के साथ साथ बैलेंस्ड ऑडियो का मजा लेना चाहते हैं तो आपका आंसर है ओबेज DT51। ये बैलेंस्ड ऑडियो और हैवी बेस एक साथ कैसे दे सकता है? बिकॉज इसके अंदर एक एम्पलीफायर लगा है जो 120 वॉट्स के लिए रेटेड है और इसकी कैपेसिटी 100 वॉट की है। दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, वो इसलिए क्योंकि आपके अगर सिस्टम की आउटपुट 100 वॉट है और आपका एम्पलीफायर ज्यादा वॉटेज की कैपेसिटी का है तो वो हमेशा अच्छा ही परफॉर्म करेगा विद लोएस्ट डिस्टॉर्शन। लेकिन यही ऑपोजिट है सोनी के अंदर। सोनी के अंदर जो रेटेड कैपेसिटी है दैट इज 80 वॉट, जबकि इसका जो अडैप्टर है दैट इज ऑफ 60 वॉट ओनली।
यही इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है, इसीलिए इसके अंदर आपको बहुत अच्छी ऑडियो क्वालिटी देखने को नहीं मिलती। पर ओबेज DT51 एक परफेक्ट सिस्टम कैसे हो सकता है? उसके अंदर तो HDMI और ऑप्टिकल इनपुट भी नहीं है। दोस्तों, आपको HDMI और ऑप्टिकल इनपुट सिर्फ तभी चाहिए होता है जब आपको किसी भी ऑडियो कोडेक जैसे डॉल्बी ऑडियो, डॉल्बी डिजिटल या फिर डॉल्बी एटमॉस को पास थ्रू करना हो टीवी से होम थिएटर सिस्टम में या फिर टावर स्पीकर सिस्टम के अंदर। जब ये दोनों सिस्टम्स या फिर कोई भी बजट सिस्टम डॉल्बी के किसी भी फॉर्मेट को सपोर्ट ही नहीं करता, तो इनमें HDMI और ऑप्टिकल इनपुट की ज़रूरत है ही नहीं। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू वन मोर फैक्ट कि ब्लूटूथ से प्ले करे गए किसी भी सॉन्ग में, चाहे वो डॉल्बी एटमॉस ही सपोर्ट क्यों ना करता हो, आपको सिर्फ स्टीरियो ऑडियो ही मिलेगी। दैट इज वाई बजट सेगमेंट के अंदर आई थिंक ओबेज DT51 इज वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स, और मैं अगर लूंगा तो मैं DT51 ही लूंगा। याद रखिएगा दोस्तों, जितने भी ऑडियो टेस्ट मैंने इन दोनों सिस्टम से करे हैं वो और साथ में पिंक नॉइस के स्क्रीनशॉट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। आप उन्हें चेक करके और ऑडियो टेस्ट को सुन के मुझे बताइएगा जरूर। मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ DT51 को लेके, तो वो क्या कॉन्फिडेंस सही है या नहीं? और कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइएगा जरूर मुझे कॉमेंट सेक्शन में, मैं आपके जवाब की वेट करूंगा। और अगर आपका कोई सवाल है किसी भी चीज को लेके, DT51, सोनी या फिर किसी और ऑडियो सिस्टम को लेके, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आ जाइए मेरे सोशल मीडिया पे और मुझे DM करिए। मैं आपका जवाब 24 से 48 आवर्स के अंदर करूंगा ही करूंगा। और क्या आपने मेरा साउंड बार का वीडियो अभी तक देखा है? अगर नहीं देखा तो यहाँ पे उसका लिंक आएगा, उसे क्लिक करके ज़रूर चेक करिए। और मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी मच।